बस एक साधारण दोपहर दो साधारण लड़कियों की। वो ये इतनी साधारण नहीं। ओलिविया, तुम इस तस्वीर में बहुत सुंदर लग रही हो। काश मैं भी ऐसी सुंदर तस्वीर ले सकती। बालों को ठीक करना ना भूलना। क्या आप कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें करते हैं जो आपको बाद में पता चलती है कि ये इतनी नॉर्मल नहीं? ओह, बिल्कुल सही। अगर आप एमिली की तरह हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मल एक्टिंग करना कभी कभी तो ठीक है, पर हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल रहना या अपनी असलियत में रहना, दोस्तों से मिलना नॉर्मल लोगों के लिए, लड़कियों के साथ शाम को कॉफी पर बात ही करना, इससे मजेदार क्या होगा? ओह, मेरी बेस्टी एमिली आई। तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा दोस्त। कुछ लोगों के लिए एक बार में मिलना बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सी बातें हैं। और मैं, हे दोस्तों, क्या चल रहा है? ओह रुको, मुझे दाएं जाना चाहिए या बाएं? ओह, मुझे माफ करना। ओह, किसी से मिलना इतना अजीब कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने चेहरे पर हाथ कहाँ रखना है? मैं एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं बन सकती? फोन पर बात करना नॉर्मल लोगों के लिए, अपनी बेस्टी के साथ फोन पर बातें करना बहुत मजेदार है, आराम से बैठना और बातें करना कितना सही है। मैं, क्या आपको कभी ऐसे कॉल आए हैं जब आप कुछ काम के बीच में फंसे हो? ओह, हे एमिली, क्या हाल है दोस्त? नॉर्मल लोग आराम से बैठ कर बात करते हैं और बाकी लोग वैसे घूम घूम कर, और तुम्हें पता भी नहीं तुम इतनी देर से घर में घूम रही हो बातें करते करते। ओलिविया, क्या तुम्हें याद है कि अभी भी तुम्हारे हाथ में दूध का जग है ना? तुम तो भूल ही गई हो कि तुम कौन हो, कहाँ हो। ओह, तुम्हें जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। हाँ, मैंने दूध क्यों पकड़ा है? ठीक है, मैंने सच में खो दिया होमवर्क नॉर्मल लोगों के लिए। ओलिविया को देखो, मेहनत करती हुई। उसके लिए काम पर फोकस करना आसान है, वो हमेशा अपना होमवर्क सोने से पहले करती है। और ये मल्टीटास्किंग तो देखो, मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो हर शब्द को बहुत तहजीब से लिख रही है। कोई कल एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाला है। मैं, कुछ लोगों को काम पर ध्यान देने का वरदान होता है चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग। जब से आप इस चेयर पर बैठी, एक एक मिनट इतना लंबा लग रहा है। तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है। हे, मैं रात को डिनर में क्या बनाऊं? या फिर मैं पिज्जा ही ऑर्डर कर लूं? ठीक है, इस पोजीशन में मेरा दिमाग बिल्कुल ज्यादा चल रहा है। चलो भी मिस्टर चिकन, ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करो। आंसर तो -5 ही होगा, है ना? या फिर ये 7 है। ठीक है, चलो कुछ हाईलाइटिंग करते हैं। हे, डेस्क चेयर क्यों चाहिए जब आप टेबल पर लेट सकते हैं? वो इतना ज्यादा मत करो, तुम्हें इसे करने के लिए और कॉन्सेंट्रेट करना होगा। सोना नॉर्मल लोगों के लिए। ओह, ये 10 बज चुके हैं, सोना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सही वक्त पर सोना आसान है, और जैसे ही उनका सर तकिए पर पड़ता है, ये समय है सपने देखने का। एमिली का मुंह धुल गया, उसने अपना फोन रख दिया, और अब समय है सोने का। देखा, 15 मिनट बाद वो सो गई। अच्छे से अपने देखना है एमिली। मैं, कुछ लोगों के लिए बेड पर जाना आसान चीज है, लेकिन बाकियों के लिए सोना इतना ज्यादा आसान नहीं जितना लगता है। ओह, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत जल्दी सोने वाली हूँ। हाँ, क्या हुआ? ओह, मैं सो ही गई थी, मैं दोबारा क्यों उठ गई? क्या ये पैरों के निशान है? क्या घर में कोई है? हे भगवान, शायद अगर मैं मेडिटेट करूं और मैं शांत हो जाऊं तो शायद मैं सो पाऊं। ठीक है, मैं आज सोने के लिए प्रे करूंगी। चलो मेरे दिमाग बंद हो जाओ ताकि मैं सो सकूं। बस 2 घंटे में मेरा अलार्म बज जाएगा। क्या मैं अपनी आंखें खोलकर सोने की कोशिश करूं? हाँ, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जैसे ही 4 बजते हैं, आपका बेड आपका दुश्मन बन जाता है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं बस सोना चाहती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं एमिली, रो मत। अपना हाथ उठाना नॉर्मल लोगों के लिए,
क्लास में हो सकता है आपको कभी कभी हाथ उठाना पड़े, लेकिन आप ये आराम से कर सकती हैं। आप इतना उत्सुक नहीं होना चाहते, आप अपने आप को टीचर का चमचा नहीं कहलवाना चाहते, है ना? आराम से कर सकते हैं एमिली। मैं लेकिन जब आप क्लास में हैं, तो हाथ उठाना इतना अजीब क्यों होता है? भगवान, आराम से दोस्त, ऐसा लग रहा है तुम घर क्या साफ कर रही हो। ओह, सब सोचने वाले हैं कि तुम बहुत गुडी गुडी हो। इस तरह से हाथ उठाने के बाद टीचर यहाँ पर मुझे चुनो। चलो भी, बहुत अजीब। एक टीवी शो देखना नॉर्मल लोगों के लिए, बहुत लंबे दिन के बाद बेड पर बैठकर अपना फेवरेट टीवी शो देखने से बेहतर कुछ नहीं। देर हो रही है तो शायद बस एक और एपिसोड, मैं दूसरा एपिसोड कल देख लूँगी। हाँ, ये शुरू हो रहा है, मैं इसे देखने के लिए पूरा दिन इंतजार कर रही थी। हाँ, मुझे इसके बाल बहुत पसंद है, ये बहुत प्यारी है। ओह, मुझे नींद आ रही है, शायद मुझे सोना चाहिए। ओह, 11 बज गए, मुझे इसे बंद करना चाहिए। हिम्मत करो ओलिविया। ठीक है, अब मैं सोने वाली हूँ, वैसे भी कल मुझे बहुत काम करना है। नाइटी नाइट ओलिविया। मैं लेकिन बाकी लोग नेटफ्लिक्स और बेड की बात पर फैसल ही जाते हैं। ठीक है, मैं बस एक ही एपिसोड देखने वाली हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और शुरू करो। ओहो, ये शो तो बहुत ही मजेदार है, मैं और कहीं देख ही नहीं पा रही। हे, बहुत से स्नैक्स हैं। ओह, तो लगता है हम एक और एपिसोड देखने वाले हैं, है ना? ओह, क्या तुम सच में सोने से पहले इतनी शुगर खाने वाली हो? ओह, देखो कितनी देर हो गई। मुझे ये सोडा पी लेना चाहिए ताकि मैं दूसरे एपिसोड तक जाग सकूं। क्या? वहां मत जाओ। ओहो, ये शो मुझे चिंता दे रहा है, मुझे थोड़ी और खाने चाहिए। ठीक है, मैंने 6 एपिसोड देख लिए, मुझे अब सोना चाहिए। नहीं, मुझे एक और देख लेना चाहिए। ठीक है, ओलिविया पूरी रात जागने वालों में शामिल हो गई। और इसे कल कैफीन की ड्रिप चाहिए होगी। आइसक्रीम खाना, एक गर्म दिन में आइसक्रीम खाना एक अच्छी ट्रीट है। नॉर्मल लोगों के लिए ये साफ सुथरा स्नैक है, लेकिन आप नॉर्मल नहीं है, है ना? तुम्हें आइसक्रीम की इतनी बड़ी बाइट लेनी होगी, जैसे ये गुलाबी लज़ानिया है। ओहो, ये ठंडी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मजेदार है। ओह, इस गंध के बारे में क्या? नैपकिंस किस लिए है? बताओ जरा। भगवान, क्या मैं जैसे जैसे इसे खा रही हूँ ये और ठंडी हो रही है? कपड़ों को उतारना नॉर्मल लोगों के लिए, बहुत से लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए जगह जरूर है। यहाँ एमिली का बैकपैक रहता है जब वो उसे इस्तेमाल नहीं करती, और ये कई स्ट्रैप्स। और एक लंबे दिन के बाद कपड़े बदलना एक रिवाज है, हर एक चीज को ध्यान से रखते हुए। आप महंगा स्वेटर जमीन पर तो नहीं फेंकेंगे, है ना? आखिरकार आप बार्बेरियन नहीं है। चलो ठीक है, और तुम गए रैक पर। वाह, कितना ऑर्गेनाइज है, जिपर भी ऐसे रखा गया है ताकि उस पे करवटें ना पड़े। बिल्कुल स्मूथ, जैसे ये होना चाहिए। और तुम्हारी गंदी टी शर्ट की जगह एक साफ टी शर्ट ने ले ली, बहुत ही बढ़िया। और तुमने अपने गंदे कपड़ों को एक जानवर की तरह से छोड़ने का सोचा नहीं होगा, हर पीस को अच्छे से फोल्ड करके ड्रॉअर में रखना। वाह, तुम फोल्ड तो बहुत अच्छे से करती हो। वैसे अगर आपको अपनी चीजों को अच्छे से रखना है तो आपको उनका ध्यान जरूर रखना होगा, है ना? हर नॉर्मल इंसान को ये पता है। ओप्स, जीन्स को मत भूलना, इन्हें अच्छे से फोल्ड करना ना भूले ताकि ये ड्रॉअर में बाकी पेयर्स के साथ चली जाए। तो चलो, देखा, ये फिट हो गई। मैं लेकिन जब आप लंबे दिन के बाद घर आते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना आपके दिमाग में आखिरी चीज होती है। मेरा सर फंस गया, मैं इसे फाड़ दूंगी। निकल जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही। चलो भी, निकल जाओ। इसने मुझे बहुत डरा दिया था। आपके जैसे लोग पैंट्स को एकदम से निकालते हैं। पेट को सांस लेने दो। हाँ, शूज निकल गए और हम जाने के लिए तैयार हैं। सच में अपनी पैंट्स उतारने का कष्ट क्यों करना जब आप उसे नीचे खींच सकते हैं? इस तरह के लोगों के लिए कपड़े उतारना सिर्फ सोफे तक पहुंचने के लिए जरूरी है। आवाज बढ़ाना प्लीज। तो चलो, अभी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बिल्कुल, क्या आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे थे?
बदकिस्मती से आप इन ब्लूपर्स से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इन्हें देखें और अपने दोस्तों के साथ जो आपके जैसे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें और बिल्कुल हमारे चैनल 123go को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मजेदार वीडियो सबसे पहले देखें। अगली बार मिलते हैं।